Hello dear student, welcome to Asaka Education. Myself Ramasis Kumar, I am the founder of Asaka Education. Asaka Education में आप सबको जो है हम लोग YouTube के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देते हैं, तो आप सबको मालूम है। और अभी जो है आज जो हम बात करने वाले हैं वो एग्जाम से रिलेटेड बात करने वाले हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है। अभी मार्च के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा 10th और 12th बोर्ड के लिए, स्पेशली 10th और 12th के बोर्ड के लिए जो है आज मैं कुछ कुछ टिप्स आप सबको देने वाला हूँ, जो कि है कि वहाँ पे अगर 10th में जो आप सब पढ़ाई कर रहे हैं तो जो भी सब्जेक्ट्स जितना भी आपने पढ़ाई किया है उसको आप एक एक करके वहाँ पे देखिए, राइट। जैसे कि लेट से कि आपने मैथ्स में पढ़ लिया होगा, राइट, मैथ्स है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो ये साइंस का पार्ट है। सोशल साइंस में आपने सिविक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी वगैरह आपने पढ़ा होगा, और संस्कृत है, और उसके बाद हिंदी है, इंग्लिश है, राइट। तो हर सब्जेक्ट्स को आप इक्वली टाइम दीजिए, राइट। और आप अभी तक आपने जितना भी पढ़ाई किया, आपके पास अभी 2 महीने का बहुत अच्छे से टाइम है, और 2 महीने के अंदर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ कि मैं भी जब लास्ट के समय में जब मैथ्स का प्रिपरेशन किया था तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से किया था, क्योंकि जो लास्ट का 2 मंथ्स होता है, आप जितना पूरे साल पढ़ाई करते हैं और लास्ट में जब आप रिवीजन करते हैं तो वही काम आता है आपको। तो लास्ट में अभी आप रिवीजन करना मत छोड़िए, राइट। अभी जनवरी पूरा टाइम है, फेब पूरा टाइम है आपके पास, ठीक है। तो 2 महीने बहुत अच्छे तरीके से टाइम है, और 60 डेज़ है आपके पास, और एक दिन में अगर आप 5 to 7 आवर्स भी पढ़ाई करेंगे तो कम से कम आपके पास 300 से 400 घंटे होंगे। 300-400 घंटे में बहुत अच्छा प्रिपरेशन आपका हो सकता है 10th लेवल पे, राइट। और इसी तरीके से 12th का है। 12th में आप अगर साइंस पढ़ाई कर रहे हो, या कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप जो है आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हो, तो तीनों सब्जेक्ट्स इक्वल होते हैं। आप कभी भी ये मत सोचिए कि तीनों सब्जेक्ट्स जो अलग अलग चीज़ें हैं, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए अलग से तैयारी किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप फोकस रहिए, हर किसी में करियर अपॉर्चुनिटी उतना ही है जितना साइंस में है, जितना कॉमर्स में है, जितना आर्ट्स में है, ठीक है। तो इक्वल टाइम लीजिए, और मेन फोकस रखिए कि आपका कम से कम एटलीस्ट 70% से ऊपर मार्क्स आ जाए, और अगर इतना कोई ये बेयर मिनिमम है, और उसके बाद अगर आप ट्राई कीजिए कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ाई किया हो, स्पेशली साइंस के लिए, साइंस के स्टूडेंट के साथ थोड़ा होता है कि वो लोग प्रिपरेशन तो करते हैं और एट द लास्ट में आके वो थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो जाते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो आएगा वही सिलेबस से ही चीज़ें आएगा। तो आपको सिलेबस में चीज़ें अच्छे से पढ़ना है, जो भी आपने पढ़ाई किया है, मेरा हमेशा से वही रहता है, जो भी आपने पढ़ाई किया उसको बार बार आप रिविज़न कीजिए। अगर आपने 80% ही पढ़ाई किया, 70% ही पढ़ाई किया है होल सिलेबस का, और उसमें अगर आपने 70% पूरा कवर कर लिया है, पूरा आपको आता है, तो वही चीज़ एग्जाम्स में अगर 100 नंबर का क्वेश्चंस है तो आपको 70+ मार्क्स के क्वेश्चंस आप आराम से अटेंड कर पाओगे, और आपको कम से कम जो है 60 एंड अबव आराम से, बहुत ही आराम से आ जाएगा। और हम बात करते हैं जिसका बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हो चुका है, बहुत बढ़िया उन्होंने पढ़ाई। तो डियर स्टूडेंट, साइंस में आपने जितना भी पढ़ाई किया है अभी तक, आप उसको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, उसको अच्छे तरीके से पढ़ने का कोशिश कीजिए, और जो 80% 90% और 90% एंड अबव जिनका गोल है कि वो 90% एंड अबव लाना चाहते हैं 10th 12th में, तो जिनका प्रिपरेशन भी फ्रॉम द स्टार्टिंग बहुत अच्छा रहा है, तो वो लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर कीजिए, एक एक पॉइंट्स जो आपने पढ़ाई किया है उसको रिवीजन कीजिए। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपने बहुत सारा सिलेबस पढ़ा है, 100% सिलेबस आपने पढ़ लिया है, तो प्लीज़ जनवरी और फेब में पूरा रिवीजन कीजिए, और मॉक टेस्ट वगैरह का प्रिपरेशन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और खुद से क्वेश्चंस आंसर कीजिए, जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसी को बार बार आप पढ़िए, और नए क्वेश्चंस ट्राई मत कीजिए, और नए क्वेश्चंस ट्राई करने का समय नहीं है, अभी ये समय है। ये 60 डेज में आप पूरा का पूरा जो है आप एक बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अभी मेरा एक ही मकसद है आप सबको बताने का कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आइए 10th 12th में, और अभी से 60 डेज़ का अभी आप एक अच्छे से प्लान बना लीजिए,
जनवरी और फैब का, और बहुत अच्छे तरीके से फरवरी और जनवरी में आप प्रिपरेशन कीजिए। और सिर्फ रिवीजन आपका दो ही तीन चीज़ें हैं रिवीजन करना है। सेकेंड चीज़ जो रिवीजन कर लिया है आप उसको एक एक सप्ताह पे फिर से रिवीजन करना है, और एट द लास्ट आपको हर सब्जेक्ट्स में 20-30 क्वेश्चन होते हैं, या चलो 40 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसको बार बार रिवीजन करना है। तो ये मेन है की टू सक्सेस ऑफ आपके लिए एग्जाम्स के लिए 2022 के लिए और 10th 12th के लिए, और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप साइंस में हैं फिर भी ये फंडा अपना सकते हैं, कॉमर्स में है फिर भी ये फंडा अपना सकते हैं, और आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर भी ये फंडा अपना सकते हैं। तो साइंस के साथ थोड़ा सा क्या होता है कि उनको याद रखने में मुश्किल होता है, तो साइंस में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपको करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। कॉमर्स में वही चीज़ें क्या होगा कि आप दो बार रिवीजन करेंगे तो आपका वो चीज़ें याद हो जाएगा, और आर्ट्स में क्या होगा कि हम एक बार दो बार भी पढ़ेंगे उस चीज़ों को, अगर एक सप्ताह पे हम एक दो बार पढ़ लें वो चीज़ें पूरा याद रहेगा। बट साइंस में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मैं मानता हूँ, लेकिन साइंस में डिफ़िकल्ट तब तक ही होगा जब आप उसको एक दो बार ही प्रिपरेशन करेंगे। तो यही टिप्स था हमारे तरफ से, और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और असाका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, बहुत सारे लेक्चर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी हम लोग और भी बहुत सारे लेक्चर्स लेकर आने वाले हैं, इवन साइंस का भी लेक्चर लेकर आएंगे। तो और यही है बस इतना सा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।